दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ओप्पो A3S मोबाइल के बारे में। आप यहां पर सामने देख रहे हैं कि ओप्पो A3S मोबाइल है और इस मोबाइल को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो UFI बॉक्स से आप अनलॉक कर सकते हैं। और इस मोबाइल के अलावा कुछ और मोबाइल भी जो है ऑनलाइन जो अनलॉक होता है उन मोबाइल को भी आप UFI बॉक्स से अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आपका वारंटी लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि आप UFI बॉक्स से किस तरह से मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि ये जो है अडाप्टर है, इसे PCB केबल भी आप कह सकते हैं। इसमें 6 कनेक्शन है, ठीक है। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 CMD, नंबर 3 CLK, नंबर 4 ग्राउंड, नंबर 5 VCCQ, नंबर 6 VCC, ठीक है। ये 6 कनेक्शन आपको करना होगा। इसमें 6 जम्पर आपको लगाना है और ये 6 जम्पर आपको बोर्ड में लगाना होगा, मोबाइल के बोर्ड में लगाना होगा, ठीक है। तभी आपका मोबाइल जो है बूट करेगा और आप मोबाइल का FRP पिन पैटर्न जो है अनलॉक कर सकते हैं ओप्पो A3S का। तो जैसे कि मान के चलिए मेरे पास ये PCB केबल है, ये UFI बॉक्स का जो अडाप्टर माना जाता है, ठीक है। इस अडाप्टर को आप UFI बॉक्स में लगा के इसमें जंपर करके 6 जंपर आपको करना होगा इसके अंदर में, और ये 6 जंपर जो है आपको मोबाइल के बोर्ड में जो है आपको कनेक्शन करना है। तो मैं बता दूँ ये 6 कनेक्शन जो होता है, ये 6 कनेक्शन आपके जो EMMC IC होता है, ठीक है, CPU होता है, इन दोनों के बगल में होता है और हर मोबाइल का अलग अलग होता है, लेकिन अक्सर जो ये कनेक्शन होता है वो IC के बगल में होता है। तो IC के बगल में ये कनेक्शन होता है और आपको ये जंपर करना होगा, ये जंपर करेंगे इसे 6 कनेक्शन को, ठीक है, तभी आप मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने ये 6 कनेक्शन जो है कर दिया है, ठीक है। और इस मोबाइल को अब हम UFI बॉक्स में कनेक्ट करेंगे और इस मोबाइल का जो है पिन लॉक जो है हम रीसेट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने कनेक्शन कर लिया है और चलिए मैं आपको दिखाते हैं टूल में UFI बॉक्स में कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिवाइस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको यूज पार्टीशन पे क्लिक करना है। जैसे आप यूज पार्टीशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है स्पेशल टास्क पे क्लिक करना है। स्पेशल टास्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा, उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यह डन लिखेगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ से पिन पैटर्न FRP जो भी होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। तो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लें वीडियो में, और जैसे ये कंप्लीट प्रोसेस चलता है फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डन हो चुका है। चलिए अब हम आपको मोबाइल को ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल को पैक कर लिया है, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इस मोबाइल के अंदर में जो पिन लॉक था, अब ये पिन लॉक नहीं मांगेगा, मैं जो है नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है, ऐसे नेक्स्ट करेंगे हम, उसके बाद ये मोबाइल कम्प्लीटली जो सेटअप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई वीडियो अच्छा लगा किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।